हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर कट, जो कि सेल्फ करने वाली हूँ। नीचे से बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, डैमेज हो गए थे, तो इनको कट करना ज़रूरी है। तो किस तरीके से कट कर रही हूँ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और छोटे बालों के हेयर स्टाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं बाल कट कर लूँगी तो छोटे हो जाएंगे और जिस पर मैं आप लोगों के साथ अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो शेयर कर पाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, क्या करना है इन बालों का देखते हैं, किस तरीके का कट करती हूँ। तो सेल्फ कट है ये, तो क्लियर है। तो कैसा कट करती हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बालों को गीला कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से बालों फ्रेंड्स बालों को इस तरीके से गीला करने के बाद से अच्छे से कॉम करेंगे, एकदम मिडल पार्टिंग करके, फ्रंट टू बैक तक पूरा मिडल पार्टिंग करेंगे, बीच से मांग निकाल लेंगे इस तरीके से। ओके, मांग निकालने के बाद से अच्छे से कॉम करेंगे बालों को। अगर आपको लगे कि आपके बाल अच्छे से गीले नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा गीला और कर सकते हो बालों को। ओके, लेकिन अच्छे से गीले कर लेने हैं। गीला करने से क्या होता है कि प्रॉपर कटिंग दिखती है हमारी और अच्छे से कट हो पाता है हमारा। तो इसके लिए सेल्फ कट कर रहे हो तो 2 रबर बैंड्स चाहिए आपको। तो मोटा वाला कंघी रख देती हूँ और पतले वाले कॉम से अच्छे से कॉम करेंगे पहले। अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है यहाँ पे। कॉम करने के बाद से आपको एक रबर बैंड लगाना है, एकदम टाइटली पकड़ के, जस्ट ईयर के पास। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कॉम करके रबर बैंड लगा लेना है, एकदम बराबर में। जैसे आपने ये रबर बैंड यहाँ पे ईयर के जस्ट यहाँ पे लगाया है, तो इस साइड का भी सेम उसी तरीके से लगाना है। मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ, चाहे कट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। कई बार मैं कट कर देती हूँ या फास्ट कर देती हूँ तो आप लोग के कमेंट आते हैं कि मैम बहुत फास्ट हो गया, समझ में नहीं आया। इसलिए मैं अपने चैनल पर सिर्फ हेयर स्टाइल की वीडियो डालती हूँ, बट सेल्फ में जो भी करती हूँ वो वीडियोज अपलोड कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे एक और रबर बैंड लगा देंगे। तो एकदम बराबर में आपको रबर बैंड को खींच के ले आना है। ओके, इसके बाद आपको 2 पतले वाले रबर बैंड भी लेने हैं, जिससे कि आपको कटिंग करने में आसानी हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ईयर लेंथ बॉब हेयर कट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाली भी थी, मेरे काफ़ी लॉन्ग हेयर थे, मैंने यहाँ तक कट किया था। तो वीडियो आपने नहीं देखी तो चेक कर लीजिएगा, शायद 1 से 1.5 साल पहले की वीडियो है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दिया है। अभी 2 पतले वाले रबड़ बैंड लेके आते हैं और एक बार और लगाएंगे। ओके, फिर से यहाँ पर अच्छे से कॉम करके और एक रबड़ बैंड और लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पर। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाले साइड में भी, दूसरी वाली कोनी में भी करना है। ओके, अभी आप इसको चेक करो कि कितना लंबा आपको रखना है अपने बालों को।
तो हमारी जो ये हड्डी है, ये दोनों रबर बैंड उससे नीचे आ चुके हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हो, तो भी आपका हेयर कट काफ़ी परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट करना है। स्ट्रेट हेयर कट करूँगी मैं यहाँ पे, तो मैं इसको रबर बैंड थोड़ा सा लूज पड़ जाए तो इसको टाइट कर लेते हैं दोनों साइड से। अभी जो हमारा ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये लेयर है, इसी के बराबर का हेयर मुझे पूरा कट करना है अपना। तो मैंने दोनों साइड से इतने इतने हेयर कट करने हैं, कम से कम 3 से 4 इंच तक का लेंथ मुझे छोटा करना है बालों का। मैंने पिछले टाइम हेयर कट कराया था सैलून में जाके, तो एडवांस लेयर हेयर कट कराया था, तो उसकी वीडियो भी शेयर कर रखी है मैंने चैनल पे अपने, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से कट कर दिया मैंने अपने हेयर। सेम इसी तरीके से इस साइड के भी हेयर कट करेंगे। माप के देख लो कि ये कहाँ तक आ रहा है, सेंटर में एकदम वहाँ तक रबर बैंड को खिसका लेना है और फिर कट करना है। इस तरीके से कट करोगे तो बहुत प्रॉपरली आपका कटिंग अच्छे से हो जाएगा। तो ये दोनों चुटिया आप देख लो, ये मैंने कट कर दिया है। फ्रंट से तो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट है। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि बैक में जाने के बाद इसका क्या हाल है। तो ये हो गया, अच्छे से कॉम करते हैं। मैंने अपना सैलून बनवा लिया है, सॉरी पार्लर बनवा लिया है, तो आपको लुक दिख ही रहा होगा। तो मैं शीशे को इस तरीके से उठाती हूँ और मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी हूँ, तो आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारा स्ट्रेट हेयर कट यहाँ पे हो चुका है। ओके, लाइट यू में आया है और बहुत अच्छा दिख रहा है ये हेयर कट। और अभी अभी आपको इसमें कुछ थोड़ा सा लगे कि इवन दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, इवन नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को फिर से फ्रंट साइड में लेके आओगे। और बैक का जो शीशे में देखिएगा, बैक से एकदम यहाँ से थोड़े थोड़े हेयर पकड़ने हैं और इसको फ्रंट में लेके आना है। ओके, तो बैक से हम हेयर फ्रंट में लेके आ रहे हैं, तो जो हमने हेयर कट किया था एकदम उसके बराबर ही आ रहा है। अगर इससे आगे का हेयर आपका बड़ा छोटा होता तो आप ये वाले लेयर के हिसाब से हेयर को पकड़ के और कट कर देते, लेकिन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है तो हमको कट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हेयर कट, स्ट्रेट हेयर कट हो चुका है। और उसके बाद भी आपको लगे तो आप इस तरीके से पकड़ लो बालों को। तो ये बहुत ही इजी तरीका है सेल्फ स्ट्रेट हेयर कट करने का। देखिए कुछ इस तरीके से हेयर जाता है, बैक वाले में थोड़ा तिरछा जाता है। स्ट्रेट करोगे तो आपका यू में आ जाएगा, और जैसे मैंने बताया इस तरीके से कट करोगे तो आपका बहुत प्रॉपरली स्ट्रेट कट हो जाएगा। तो हल्का हल्का मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ओके, सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड कॉम करके देख लो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत सारी अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। तो आज का टॉपिक था सेल्फ स्ट्रेट हेयर कट कैसे करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा गाइज। और ये देखिए ऐसे कॉम करने पर भी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है हमारा हेयर, यानी कि हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से खुद से आप अपने बालों को स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सेल्फ हेयर कट की वीडियोज हैं मेरे चैनल पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। एक बार और मैं मिरर में आपको दिखा देती हूँ।
तो ये हमारा हेयर कट एकदम अच्छे से सही से हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस, यहाँ पे भी देख लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप इस तरीके से पकड़ के और चेक कर सकते हो। तो हमारा बिल्कुल ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दे रही हूँ। अभी ठीक हो गया, जो भी इवेंट था मतलब अच्छे से नहीं हुआ था वो अभी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर गाइस। वीडियो बनता।